गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे इज अ सैटरडे एंड आई थॉट कि एक रैंडम व्लॉग करते हूँ आज। सो कोई प्लान नहीं है पूरे दिन का एंड आई हैव जस्ट वोकन अप। आई नो आई साउंड टू एक्साइटेड फॉर अ पर्सन हु हैज जस्ट वोकन अप, बट सॉरी आई हैव टू बेंड लाइक दिस बिकॉज कैमरा का एंगल नहीं बन रहा एंड मैंने बेड पे ट्राइपॉड स्टैंड रखा है। सो एनीवे, so what I was saying is let me sit like this, okay, so what I was saying is koi plan nahi hai pura din ka, aaj bahut hi lazy day hai, so I thought I'll just make a vlog out of it because you people seem to be loving my vlog, so let's do this. I'll show you how my room looks. So now since you have seen how I look, तो मैंने अभी तक हेयर को भी नहीं किया है, आई हैव जस्ट वोकन अप। सो दीज डेज कुरियर सर्विस को डोर तक आना अलाउड नहीं है, सो वी हैव टू गो ऑल द वे डाउन टू द सोसाइटी गेट टू कलेक्ट इट। सो उसने मेरी नींद ख़राब की है सुबह आज। सो इट केम इन द मॉर्निंग एंड दैट गाय कॉल्ड मी, आई हैड टू गो डाउन कलेक्ट इट। सो उसके बाद मैं सो नहीं पाई दोबारा, सो दैट इज़ हाउ आई वोक अप टुडे। अदरवाइज आई वॉज प्लानिंग टू स्लीप मोर। एनी वे, सो लेट मी शो यू माई वेरी मेसी रूम। अभी तक मेरे को ये फोल्ड करना है ये सब एंड आई अरेंज ऑल दिस, डोंट वरी। देन दिस पार्ट इज एज यूजुअल, मैंने ये अरेंज किया बाय द वे दिस ड्रॉअर। मेकअप का सामान कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है आजकल, सो दिस नीडेड अ लिटिल बिट ऑफ अरेंजिंग। This is the view from my balcony, from my window. Pretty, right? And yes, I have to show you something. So I got a new wardrobe. Finally, अगर आपने मेरा room tour video देखा है तो आपको पता होगा how upset I was with my iron almirah. So next is this पूर्वजों के जमाने का almirah. सो ये मुझे जो मेरे से पहले इस रूम में रहती थी, शी वॉज लुकिंग टू सेल इट आउट एंड सिंस आई हैड लेस टाइम एंड आई वॉज मूविंग फ्रॉम चेन्नई, सो दैट्स हाउ आई गॉट इट। इट इज वेरी स्मॉल फॉर माई क्लो एंड आई डेस्परेटली वॉन्टेड अ बिगर वॉर्डरोब, बिगर वुडन वॉर्डरोब। सो फाइनली आई हैव इट, इट गॉट डिलीवर्ड यस्टरडे एंड लेट मी शो इट टू यू। टाडा, अच्छे से दिखाती हूँ। वेट, सो दिस इज इट। आई थिंक ये साइज मेरे लिए काफी सही है एंड अभी ये भी है, आई हैव टू सेल इट ऑफ बट इट्स देयर नाउ। सो कल काफी लेट नाइट तक आई वाज सेटिंग इट अप, सो आई स्लेप्ट लेट, सो आई वोक अप लेट, आई थिंक दैट्स जस्टिफाइड। एनीवे, अभी कल ही सेटअप किया है, सो एवरीथिंग लुक्स नीट एंड टाइडी। मेड पोहा टुडे, यार आई डोंट नो व्हाई दिस हैपेंस विद मी। टुडे आई वाज सो एंथुसियास्टिक कि मैं व्लॉग बनाऊंगी एंड इट वाज गोइंग सो वेल, बट देन इलेक्ट्रिसिटी चली गई है हमारे सोसाइटी में एंड पावर नहीं है। सो आई वाज मेकिंग पोहा एंड आई थॉट मैं इसका पूरा प्रोसेस भी शूट करने वाली थी, बट लाइट नहीं है तो मेरा फोन, सिंस आई शूट ऑन माई फ़ोन तो मैं फ़ोन का बैटरी डिस्चार्ज नहीं कर सकती, सो आई कुड नॉट शूट इट एंड आगे का भी टुडेज व्लॉग आई वोंट बी एबल टू शूट अंटिल लाइट कम्स बैक। सो लेट्स प्रे इट कम्स बैक सून एंड आई विल कंटिन्यू द वीडियो आफ्टर इट कम्स। बाय टिल देन। सो लाइट आ गई है एंड आई हैड पोस्टपोन माई बेथिंग पार्ट, सो मैंने सोचा था लाइट आएगी देन गीजर ऑन करके नहाऊंगी, बट अभी लाइट चली गई थी सो आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड। सो यू नो वॉट, हमें लगा कि सबका पूरी सोसाइटी का लाइट गया है, बट ऐसा नहीं था, बस हमारे फ्लैट की लाइट गई थी विच वॉज वर्स। वी हैड टू गो टू द मेंटेनेंस ऑफिस।
सो बेसिकली नीचे मीटर हमारा वो ट्रिप हो गया था विच इट टर्न्ड इट ऑन सो नाउ इट्स फाइन नाउ इलेक्ट्रिसिटी इज बैक एंड ऑब्वियसली इतना कुछ करके आई गॉट एग्जॉस्टेड सो आते ही मैंने चाय बना ली है खुद के लिए सो आई हैव चाय नाउ फॉर अ चेंज टुडे आई एम इंडल्जिंग इन सम नॉस्टैल्जिया सो आई यूजुअली डोंट ईट बिस्किट्स एंड ऑल मैदा आई अवॉइड एंड पैकेज्ड फूड स्पेशली आई अवॉइड बट टुडे आई फील लाइक इट सो आई हैव दिस नाउ So there are a few biscuits which I used to love as a child and I can still have them now. So Nice Time is one of them. I love it. Like I can indulge in this biscuit. But main ek hi biscuit khaungi. Not much. Just sitting on my bed and procrastinating for a very long time and thoda instagram wagera pe kuch deliverables the which I had to complete so ek ghanta maine time uda diya hai वैसे and abhi mere dimag mein idea not idea ek kaam aa gaya mujhe laga ki why not take this out so I'm planning to move this to the common area because I'm anyway going to sell it so khali kar diya maine isko So yeah, then I can make some space in my room. So let's move this thing outside. First, उसके ऊपर वाली चीज़ें मेरे को इसको shift करनी है, and then I have to move it out. So let's do this. My room is set. ये वाला मैंने इधर रख दिया है बिकॉज यहाँ पे फिट नहीं आ रहा मतलब इट डिडंट लुक दैट वेल सो मैंने यहाँ पे ये लगा दिया है एंड आई हैव पुट इट देयर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर एज इट इज नथिंग न्यू चीयर्स हे पीपल सो आई हैव सेट अप माय रूम And now I'm hungry, so let's go and have some fruits. Let's see what's in the fridge. मैंने fruits काट के रखा था in the afternoon. Let's go. Setting up the room can get so tiring. So finally everything is done and now I'm relieved. So ab main ye fruits kha rahi hu apple and papaya and iske baad I will exercise and then will finally go for bath. Thank you.
आई हैव टेकन बाथ. टाइम मत पूछना मेरे से क्या हो रहा है, बट काफ़ी लेट हो रहा है. एंड एक्सरसाइज करके आई हैव टेकन बाथ एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड कुकिंग. सो टुडे वी आर प्लानिंग टू मेक पूरी एंड आलू फ्राई. वी कॉल इट आलू भुजिया. सो दैट इज सैटरडे स्पेशल एंड वी हैव स्टार्टेड. सो लेट्स हेड टू द किचन. आलू भुजिया मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है. शुड टेक अनदर 5 to 7 मिनट्स. पूरी के लिए आटा बना लिया है. वी मेक पूरीज नाउ. मीनवाइल लेट मी शो यू माय रूम सेटअप. How do you like it? Properly dikhati hu. This is wardrobe number 1. That is yoga mat. This is stuff. Plant almost dying. So if anybody knows how to save a dying palm plant at home, please comment below your suggestions. I really desperately need it. Laundry bag full of dirty clothes. Wardrobe number 2. My couch, my side table, my bed. My laptop. Oh shit! Almost forgot. Kitchen में आलू चढ़ा हुआ है गैस पे. So let's see the condition. I'm not sharing the recipe of this in this particular video. If you want the recipe, let me know. I'll make a separate video on how to make aloo fry. I've never made puri in my life. This is the first time. Let's see how it turns out. मजा आ गया. सो आई एम डन विथ माई डिनर. सो आई हैड पूरी एंड आलू फ्राई टुडे एंड इट वॉज अमेजिंग. एंड नाउ अभी मैं नाउ आई एम को बाल अभी भी गीले हैं यार, बट आई लाइक हाउ कर्ली इट्स लुकिंग एंड इट्स लुकिंग नाइस आई थिंक. Anyway, so abhi I'm going to watch Gulabo Se Taboo on Amazon Prime and simultaneously main ye bhi pee rahi hu. This is buttermilk or chhas. So I'm having this and I'm watching Gulabo Se Taboo and after that I'll sleep. So yeah, I'll end the vlog here. I hope you had a good time. It was a very lazy kind of vlog. So if you liked it, please don't forget to hit a like on this video and also hit the subscribe button right here. So that I stay motivated and keep making more videos. And agar aapko acha lage to please subscribe to my channel. And yeah, I'll see you in my next video. Bye.